आज की हमारी स्पेशल लर्निंग ट्रिक बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, जो कि होने वाली है श्वास तथा हिक्का रोग के भेद पे, जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बट ये एक वीडियो इस सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ, स्वागत है आपका आर मेडिकल क्लासेस में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिक्का रोग 5 प्रकार के होते हैं। हिक्का यानी के हिचकी रोग 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला महाहिक्का, सेकंड गंभीरा, थर्ड व्यापेता, शुद्रा और अन्नजा। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के होते हैं। अब इनको याद करने की एक स्पेशल ट्रिक है, वो ट्रिक कुछ इस प्रकार है। महान सा गांव हिक्का, एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि महान सा गांव हिक्का। कम ऑन, अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, गांव को इधर ले आता हूँ और सा को इधर ले आता हूँ, तो ये बनता है महान गांव सा हिक्का। क्या बनता है? महान गांव सा हिक्का। तो महान से मतलब है महा और गांव से मतलब है गंभीरा, वा से मतलब है व्यापेता, सा से मतलब है शुद्रा और आ से मतलब सै में आ जुड़ा हुआ है तो अन्नजा। ठीक, तो ये 5 प्रकार के यहाँ पे हिक्का रोग होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट होता है श्वास रोग। तो श्वास रोग भी 5 प्रकार के होते हैं। महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और शुद्र श्वास। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, महा, ऊर्ध्व, छिन्न, तमक, शुद्र। तो 5 प्रकार से हो गए। अब इनको याद कैसे करनी है, उसकी एक ट्रिक है। तो वो ट्रिक कुछ इस प्रकार है, मुंह के सांस छिने तुमसे। ये एक लाइन है, आपको याद करनी होगी, मुंह के सांस छिने तुमसे। म से मतलब हो गया महान, उ से मतलब हो गया ऊर्ध्व, सांस से मतलब हो गया श्वास, छिने से मतलब हो गया छिन्न, तुम से मतलब तमक और स से मतलब शुद्र। तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं 5 श्वास रोग। होप करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय आयुर्वेदा।